असलम विवराज, मैं आपको बताऊंगा आप अपने टेक्स्ट इमेज पेज को कैसे आप टाइपिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ रहिए, मैं आपको पूरा बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने टेक्स्ट पेज को आप एमएस वर्ड में या टाइपिंग फॉर्मेट में कैसे ला सकते हैं, जिसको आप आराम से शेयर कर सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर और दूसरी एप्लीकेशन वगैरह के ऊपर। तो किस तरह आप अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं, मेरे चैनल का मोटिव यही है कि मैं आपकी ज़िंदगी को बनाए आसान। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, आपने पूरी वीडियो देखनी है और आखिर में वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्रिप्शन कीजिए मेरे चैनल को। आप सब कुछ कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से अपने ही घर में बैठ के आराम से। किसी कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, किसी लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चंद मिनट में बल्कि 2 मिनट के अंदर आप अपने मोबाइल फ़ोन से इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट इमेज को आपने लाने हैं एमएस वर्ड के अंदर। तो आपके एंड्रॉयड मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी और इसके इससे आपकी ज़िंदगी हो जाएगी आसान, बहुत ही आसान। कैसे आप अपने इमेज टेक्स्ट को आप अपने टाइपिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने वीडियो को गौर से देखना है और वीडियो को आखिर तक देखना है। तो आइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आम ज़िंदगी को, जिससे मैं आपको ज़िंदगी को कर दूँगा आसान और बहुत सारी वीडियो। चलो फ्रेंड, आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल का मेन्यू खोल लेना है और आपने चले जाना है सिंपली प्ले स्टोर में। तो जिसमें आपको एक सॉफ्टवेयर मैं आपको बताऊंगा जो आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। तो अभी आप चले जाएं प्ले स्टोर में। तो मैं प्ले स्टोर ओपन करता हूं बिल्कुल आपके सामने, और ये प्ले स्टोर ओपन हो गया और इसमें मैं सर्च करूँगा इमेज टू टेक्स्ट। तो ये आपके सामने एक सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। आप कोई से भी सॉफ्टवेयर, सबके प्रोसीजर सेम ही होता है, लेकिन मैंने जो अपने मोबाइल में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है वो इमेज टू टेक्स्ट, जिस पर मैं क्लिक करूँगा। सेम आपने भी ऐसे ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है, ये बिल्कुल सामने जहाँ मेरा ये सर्कल जो ब्लिप कर रहा है यहीं पर आपने ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको खाली ओपन करूँगा। तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो इमेज टू टेक्स्ट आप इसका आइकॉन भी देख सकते हैं, यही आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे आपके सामने बिल्कुल इस तरीके से आएगा। तो आपने दोबारा कैमरे पे क्लिक कर देना है तो आपके सामने कैमरा ओपन हो जाएगा। आपने इस तरीके से कोई भी टेक्स्ट पेज हो उसकी आपने फ़ोटो खींचनी है सिंपल सी। तो ये सामने आपके सामने इंग्लिश टाइपिंग वाला पेज नज़र आ रहा है, इसको मैं लेके जाऊँगा एमएस वर्ड में। किस तरीके से फ़ोटो खींच लेना आपने, उसके बाद यूज़र फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना है आपने। तो इस तरीके से उसकी सिलेक्शन कर लीजिएगा। मैंने टॉप से सिलेक्शन किया और बॉटम से की है। तो इसके बाद सिंपल सा उसको करना है, एक छोटा सा आपको ऐड आएगा। आप मेरा वाईफाई ऑन है इसलिए देखिएगा, और इस तरीके से देखिए आप टाइपिंग में आ गया। अब आपको इजी कहीं से भी आप इसको आराम से इसको शेयर करें, और शेयर करने के बाद इसको आप ले जाए अपने मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर में, जिसका आपका दिल के मैसेंजर में, ईमो पे, व्हाट्सएप के चैट में आप इसको ले जाए, किसी को भी आप भेज सकते हैं, इसमें एडिट कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, इवन आप सब कुछ कर सकते हैं इसमें। तो नीचे 3 ऑप्शन आए हुए, एक शेयर का, एक कॉपी का और एक ईमेल का। आप इसको इजी ईमेल कर सकते हैं। और अभी मैं आपके सामने इस पर शेयर पर क्लिक करूँगा। तो ये देखिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर आ गए। आपने किसी पे भी इसको फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, किसी पे भी आप इसको सेंड कर सकते हैं, यहाँ तक कि ट्रांसलेट में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसकी ट्रांसलेशन जानना चाहेंगे ट्रांसलेट में इसको क्लिक कीजिएगा। तो बहुत मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर है। तो मैं इसको सिंपल सा कॉपी करके इसको एम एस वर्ड में लेके जाऊंगा। तो यहाँ एम एस वर्ड शो नहीं हो रहा, तो मैं अब इसको बैक करूँगा, और बैक करने के बाद मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप इसको एम एस वर्ड पे ईजिली ले जा सकते हैं इसको। तो अभी मैं इसको बैक करूँगा। बैक करने के बाद मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी का फर्स्ट ऑप्शन है, आपने कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपने सिंपली आपने एम एस वर्ड ओपन कर लेना है। तो मैं एम एस वर्ड ओपन कर रहा हूँ, मेरे मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल है, आप भी कर लीजिएगा इंस्टॉल, इजी हो जाता है। प्ले स्टोर में जाके आपने एम एस वर्ड लिखना है, एम एस वर्ड, ठीक है, एम एस ऑफिस नहीं लिखेगा, एम एस ऑफिस में पूरा पैकेज आ जाता है, एम एस वर्ड लिखेगा। ये टेक्स्ट के लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर होता है, काफ़ी लोग जानते हैं इस सॉफ्टवेयर को। तो आपने इसके ऊपर शुरू में जब आप इंस्टॉल करेंगे इसमें कुछ वो चीज़ें एग्री करता है। तो मैंने भी अभी इंस्टॉल किया इसको सिर्फ आपकी वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैं दूसरे सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करता हूँ। तो आपके आसानी के लिए मैंने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है एम एस वर्ड। तो इसमें मैं कुछ इसके क्लिक करूँगा ताकि ये शुरू में पूछता है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं, बाद में ये बिल्कुल सिंपली सा फाइल ओपन करता है। तो मैं इसके ऊपर शुरुआत में जो भी ये पूछ रहा है मैं ओके कर रहा हूँ,
और अभी जस्ट ऊपर आपने प्लस के ऊपर दबाना है, ये न्यू फॉर्मेट आ जाएगा, ये न्यू आ गया। तो ये दोबारा आपसे एक छोटी सी परमिशन मांगेगा, आपने इसको जैसे ही इसे ओपन करेंगे ये आप सेटिंग में जाइएगा और यहाँ से इसको अलाउ सोर्सेस कर दीजिएगा, ये अलाउ सोर्सेस हो जाएगा, उसके बाद आपकी न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। जैसे न्यू फाइल ओपन है आप इसके पेस्ट पे सामने ही आ रहा है, मैंने इसके पेस्ट दबा दी है और ये देखिए टाइपिंग में सारा आ गया है। बहुत ईजी है, बहुत ज़बरदस्त है ये सॉफ्टवेयर, बहुत यूटिलाइज है, ख़ास करके उनके लिए जो लोग पब्लिशिंग का काम करते हैं, टाइपिंग का काम करते हैं, उनके लिए बहुत ईजी है। टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं, एक इमेज खींचिए उसको एम एस वर्ड में ले आएँ, तो कहीं पे भी लेके जाए किसी भी सॉफ्टवेयर में, चाहे आप कॉल ड्रॉ यूज़ कर रहे हैं, हैंड फ्री यूज़ फ्री हैंड यूज़ कर रहे हैं, और इसके अलावा इन पेज कोई भी सॉफ्टवेयर एडोब फोटोशॉप कहीं पे भी आप इसको ईजी ले जा सकते हैं इसको। ये देखिए मैंने आपके सामने ही इसके अंदर जो मेरा इमेज थी, आप उस इमेज को गौर से देखिए, ये सेम टाइपिंग है उसके ऊपर। तो ये मेरा नाम आ रहा है, ये देखिए मैं इसको बोल्ड भी कर दिया इसको, और इसमें मज़ीद कोई भी चेंजिंग कर सकता हूँ मैं इसके अंदर। तो आपके लिए ये बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, तो प्लीज़ आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, अपनी ज़िंदगी को आसान कीजिए, और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक करना है, क्योंकि मैं ये बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ। तो अगली वीडियो के लिए आपको अल्लाह हाफिज़।